तो भाई तो कैसे हो आप लोग। आ गया मैं शेफ अजीज आपके सामने एक नई रेसिपी लेके, रस मलाई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रस मलाई, आपको दिखाएंगे रस मलाई कैसे बनती है। तो 1 लीटर दूध लेते हैं हम, दूध गाय का लेना है, उसको पका लेते हैं। चलो ये दूध हमारा पक चुका है, तो हल्का सा ठंडा करते हैं। और उसके बाद एक बाउल में हम ले लेते हैं थोड़ा सा विनेगर, करीब 2 ढक्कन हमने विनेगर ले लिया। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, जितना विनेगर उतना ही पानी ऐड कर लेंगे। ये ऐड हो गया। अब इसके बाद दूध को हम छेना बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके से छेना बनने लगा है। अब ये ऑलमोस्ट हमारा छेना बन चुका है। अब इसको हम स्टेन करते हैं, तो ये थोड़ा आइस वाटर बना लेंगे हम ठंडा करने के लिए। ये स्टेन कर दिया वाटर, इसको बहुत जल्दी ठंडा करना पड़ेगा वरना चीड़ा हो जाता है ये। तो ये स्टेन हो चुका है पूरी तरीके से, इसका पानी निकल गया। अब इसको हम डालते हैं एक ट्रे में, छेना को निकालते हैं बाहर। कुछ इस तरीके से हो गया है, इसको साफ कर लेंगे पूरा। चलो ये हो गया है, अब इसको सही से गदीली से जो है मिक्स करना है। तो 1 टीस्पून इस पे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे, ऑप्शनली है, अगर इसको ऐड करना चाहे तो करे, वो कंपलसरी नहीं है। इसके बाद चलो इसके पेड़े काट लेते हैं, छोटे छोटे जो साइज का रखना है बस। उसके बाद ये लेना है 2 पीस, मस्त करके ऐसे गोले करने हैं। गोले हो गए, वन इसको यूं करके प्रेस, हल्का सा प्रेस, देन चिल्ड वाटर। तो आधा लीटर दूध लेते हैं हम, इसकी जो है चाशनी बना लेते हैं, मलाई, रस मलाई की मलाई। तो ये हमारा चाशनी का जो है दूध पक चुका है, इसमें ऐड करते हैं हम शुगर, 2, 3, 4 स्पून। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे सेफ्रोन, ये डाल दिया सेफ्रोन। अब इसको रख देते हैं, ये अपने आप कलर छोड़ता रहेगा। डालते हैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा पिस्ता, ड्राई फ्रूट कुछ भी ऐड कर सकते हैं पर पिस्ता इस पर ज़्यादा सही बैठता है, इस वजह से पिस्ता डाल दें। अभी सेफ्रॉन इसमें और कलर छोड़ेगा, एकदम पूरा जो इसका कलर होता है वो आ जाएगा। तो ये हमने एक साइड में पानी चढ़ा दिया सीरा बनाने के लिए, उसमें हम ऐड करते हैं 1 कप शुगर। अभी शुगर सब सही से पक जाएगी, फिर जो हमने इसकी वो बनाया है रस मलाई उठा के इसमें हम डाल देंगे, और उसके बाद इसको बॉईल करेंगे सही से। चलो ये हमारा पानी अब पक चुका है सीरा रस मलाई का। उसके बाद इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल के, 1 टेबल स्पून के हिसाब से कॉर्नफ्लोर लिया था, तो ये डाल दिया इसमें कॉर्नफ्लोर। उसके बाद इसको हम रस मलाई अपनी डाल देते हैं ये पानी में सीरे में पकने के लिए। बहुत ही प्यार से उठाना है क्योंकि एकदम सॉफ्ट है। इसको हम पकाएंगे करीब 10 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम में। तो ये कुछ इस तरीके से पक रहा है, बहुत ही एकदम मीडियम फ्लेम में पक रहा है, सारे एकदम ऊपर आ चुके हैं, साइज भी इनका बड़ा हो रहा है। तो इसको और 5-7 मिनट और पकने देंगे हम। चलो ये पक चुका है, अब इसको हम निकालते हैं एक एक पीस करके, बहुत ही प्यार से निकालना है, ज़रा सा भी होगा टूट जाएगा। तो ये फिर इसको हम चिल्ड वाटर में डालेंगे, ठंडे पानी में, गर्म से निकाल के तुरंत ठंडे में। ये कुछ इस तरीके से जम,
हमने इसकी चाशनी बनाई थी वो हम डालते हैं एक बॉल में। ठंडी हो गई है चाशनी, चाशनी थोड़ी पतली ही रखना है। फिर क्या होता है, अगर मुगाड़ी रख दो फिर सही से रसमलाई पिएगा नहीं, तो सॉफ्टपना नहीं आएगा, जो लचकपना होता है इसका वो नहीं आ पाएगा। इस करके हल्का सा पतली रखें चाशनी, और ठंडी चाशनी में इसको हम डालेंगे। रसमलाई भी ठंडी, चाशनी भी ठंडी। फिर इसको जो है छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए, फ्रिज में रख दो या फिर डीप फ्रीज। तो रस मलाई का एक अपना ही रुतबा है स्वीट डिश में, मतलब सबसे फेवरेट और सबसे इजी, अगर बनाने बोलने तो इजी भी बहुत है पर देखने के लिए इजी नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है बनाना, पर अगर बनाओ तो बहुत इजी है। चलो देखते हैं अब इसको हम खा के कैसी है। बहुत ही अच्छा रसमलाई का मतलब प्योर जो टेस्ट है ना वो आ चुका है। अब आप भी ट्राई करिए और बताइए हमें कैसी लगी हमारी वीडियो।